नॉर्मल 9 डेज 10 डेज के लिए 35 म्यूजिशियंस ऑन द स्टेज हैं
और प्लस आज नए में तो ये भी कह सकते हैं हमारे साथ विशाल जुड़े हैं इस वक्त और रफिक भी है और सारा जो रिदम है वो रजा हैंडल कर रहे हैं और ऑर्केस्ट्रेशन है वो अनिल हैंडल करने वाले हैं। तो इस बार काफ़ी नई चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, सब चीज़ें मिला के ट्रेडिशनल फोक प्लस फ्यूजन प्लस क्लासिकल काफ़ी एक मर्ज कर रहे हैं और कुछ अच्छा ही बनेगा आगे यार शो। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये इवेंट को चेतन जी आर मैन ऑफ द इवेंट इज गोइंग टू लीड, तो मैं चाहूंगी कि आप ही हमारे साथ आपकी थोड़ी बात एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। और जब मैंने सोचा कि नवरात्रि करते हैं तो मेरे दिल में सबसे पहला नाम प्रीति पिंकी का है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि प्रीति पिंकी क्या है नवरात्रि के लिए, नवरात्रि है तो प्रीति पिंकी है। और फिर उसके बाद जिग्नेश हुड्डा, विपुल शाह और मेरा भाई विशाल पठानी और ये टीम और रफीक, हम जो मिलके इस बार नवरात्रि करने वाले हैं आप सब देखेंगे बोली बोली में एक तरीके से कच्ची ग्राउंड पे होगी और धमाल होगा और बस धमाल होगा। ठीक है, तो ये नवरात्रि 2016 विद प्रीति पिंकी धमाल होने वाला है। उनके साथ वी हैव अ वेरी मैक गुड लुकिंग, की आवाज भी बहुत अच्छी है, विशाल पठारी। मैं चाहूंगी कि आप ही कुछ हमारे ऑडियंस को एड्रेस करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सारी मीडिया है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए एंड थैंक यू सो मच हाई क्राफ्ट रश्मि फॉर पुटिंग ऑन दिस वंडरफुल इवेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि डांडिया इट्स नॉट वेरी सिंपल यू नो लाइक जस्ट सिंगिंग ऑन द स्टेज एज वी डू। डांडिया इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंग विद 20-25 म्यूजिशियंस एंड यू शुड हैव दैट करेज टू डू। और डांडिया एक भावना और श्रद्धाओं का फेस्टिवल मुझे लगता है होता है बिकॉज बहुत सारे लोग इससे सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं और बहुत लोग फास्ट भी रखते हैं और जहाँ तक मुझे पता है थ्री पिंकी और प्रीति दे डू द फास्ट फॉर 10 डेज और 11 डेज व्हाटएवर, सो इट्स अ बिग थिंग टू डू द फास्ट इट्स सेम एज वेल, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट and also I would like to thank all the guests who have made it come here to bless us, thank you so much. Aur ek baar sab log saath mein hum log sherawali maa dada jaga dada aayenge saath mein jaga dada sherawali da gol saache darbar ki aur ek jo famous gaana hai maa dada he naam re sabse bada tera naam ho sherawali ho che मिलके बनाए और आप सबका साथ भी होना बहुत जरूरी है, तो
आपका साथ होगा तो बेशक हम कामयाब होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So, I'd like Chetan to, I mean, just call him if he's here. Okay, so jab tak hum unka intezar karte hain, hum unko fir se bulayenge. Once again, ladies and gentlemen, quickly, we will be starting with our Q&A. Questions and round shuru karte hain. But before that, I would like to thank all our partners. Of course, the venue partner, La Patio, the outdoor with Right Outdoors, our online Bollywood Adda. This event is definitely brought to you by High Tech Events and RPR Marketing, brought to you by Rashmi Vinali. So ladies and gentlemen, thanking, claps ho jaye please. Yes, thank you so much. Okay, so this team also came up with Khachapay and we are all ready. I will be passing on the mic. One at a time, it's a humble request to all our media friends here. One at a time. I open the floor for the question answer round here. Aapko question puchna hai? Ji, aap aa gaye ji. जोर से पूछ रहा, जोर से पूछ. हेलो मैम, क्या अलग होगा इस इवेंट में आपका? हर साल फाल्गुनी मैडम का भी इवेंट होता है, तो इस साल क्या अलग होगा आपके इवेंट के? लोग देखने आए, आपके इवेंट में क्या अलग होगा ये जानना है. जिन्होंने सुन जिनको सुनाई दिया, आई टेल यू द क्वेश्चन इज कि बिकॉज काबुल पाठक इज अराइविंग इन फ्रंट ऑफ अस एज अ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिशन में आ रही है, तो इस बार इस कॉम्पिटिशन का तरीका क्या अलग होगा, क्या अलग करने वाले जो भी कॉम्पिटिशन में कॉम रहे हैं? सर जी, आप जो किसी जी आप आपका सवाल था क्या कॉम्पिटिशन होगा, तो मैं आपको बता दूं प्रीति पिंकी 2000 से नवरात्रि कर रही बोलियो नहीं में, तो फाल्गुनी पाठों को कंपटीशन करनी होगी हमारे साथ में, हमें कंपटीशन नहीं करना है बोलियो नहीं में कि बहुत सारे फैन फॉलोइंग है जो गरबा खेलने आते हैं, ठीक है? तो जो फाल्गुनी पाठक के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो नए हैं. फाल्गुनी पाठक के लिए उसने पूरी अपनी करियर में कई कार्य नहीं किया है, पाठक को कॉम्पिटिशन करनी है हमारे साथ में. आप पूरी तरह से चैलेंज कर रहे हैं फाल्गुनी जी को.
हम चैलेंज नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे वेलकम आइए, और आप भी सामने है कि एक किलोमीटर के हमारे डिस्टेंस के अंदर दो नवरात्रि हो रही है और देखते हैं किसके बाद आना क्राउड होता है। मैम आप कौन से गाने गाने वाले हैं वो बता दीजिए, कैसा गाना आप कौन से गाने हम लोग तो ये नोन फॉर फोक सिंगर, सो हम लोग तो फोक की गाते आए हैं, फोक ही गाएंगे, पर इस बार बहुत सारे नए गाने हैं। 75 पीस बैंड तो कभी हुआ ही नहीं है डांडिया में, जो पहली बार बने हुए हैं, और इस बार म्यूजिशियंस भी मैंने ड्रामर्स आर लाइक बेस्ट ऑफ द ड्रामर्स, सो मज़ा ही अलग होगा क्योंकि ये प्लेइंग का है पूरा फेस्टिवल इज प्लेइंग, और जितना अच्छे से नचा पाएंगे हम लोग तो माता के भक्त हैं, वो भी माता के लिए गाती है, तो हम तो सिर्फ माता के लिए गा रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन का सवाल नहीं है। मैम आपके कॉस्ट्यूम्स अलग अलग होते हैं तो इस टाइम अलग क्या हो गए आप तो? कॉस्ट्यूम के बारे में ये है कि मैंने अपने डिज़ाइनर किशन से पूछा था, तो किशन ने बताया था कि इस बार ही इज प्लेइंग विद फैब्रिक्स, लाइक गुजरात में गरचोला कहते हैं जिसको, वो फिर साउथ में कांजीवरम, और वो उस हिसाब से सब प्रांत के मटीरियल लेके उसके आउटफिट बनाने वाला है, तो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। माइक तो ठीक चले आ रहा और शायद थोड़े दिन में आपको पूरे मीडिया में चीज दिखेगी
बट हम चाहते हैं कि नौरत सबकी हो कॉन्ट्रोवर्सी ना हो। Okay, so since Chetan and are organizing the event, there's a request from behind that you also need to answer and address to this question. There are two, three questions from media, Chetan ke liye. Achha, wo abhi dikha dijiye. See, as far as Panguni is concerned, I believe I have a better unit with me. She's one, I have two of them. Alright. And they, for me, they are far superior. और आई थिंक वो बोरी जैसे जिग्नेश ने बोला वो बोरी गली में आ रही है, वो ऑलरेडी बोरी गली में है, तो वहाँ के राजा हैं, तो ये तो रानी है वहाँ की, एंड शी इज़ नथिंग फॉर मी, और बात करने के लायक नहीं, कोई फायदा नहीं उनके बारे में बात करने का। और जो हमारा जैसे हम जिस तरह की हमारी प्लानिंग है, जिस तरह की हमारे को हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, जो म्यूज़िक है, जो गाने वाले हैं, उनकी ने जैसे बोला है वेरी डिफरेंट दिस टाइम, और 35 टाइम टू 75 म्यूजिशियंस नहीं होता है नॉर्मली नवरात्रिज में, और इस बार जब वो फेवर मिलेगा डांस करने के लिए, नवरात्रि इज ऑल अबाउट डांसिंग, और जब वो डांस का वो रिदम बजाएगा नजार, आप देखेंगे किस तरीके का वो माहौल बनेगा, और वही एक मेन चीज़ है जो हमें लानी है इस बार नवरात्रि में। थैंक यू। देखो 5 साल कंप्लीट हुए हैं और उस पर आइस ब्रेक हुआ है, पीटी के साथ डांडिया बेस्ट है, और ये थॉट हमारा आया विशाल और हम लोग बात कर रहे थे कि लेट्स डू द डांडिया दिस टाइम, एंड देन विशाल ने भी केम आउट कि हम पीटी के साथ करेंगे, कोऑपरेटिव होते हैं और जिग्नेश हुड्डा, विपुल शाह, शिवा शेट्टी, मेरी जैस्मिन शाह, ये सब लोग मिल के और सबको मिल के देन टीम बनी है, देन बिकॉज वी हैव अनदर टीम एंड इट्स लाइक आवर लीडर्स एंड दैट। मैं प्रीति जी से पूछना चाहूंगी, आप पहली बार चेतन से कोलैबोरेट होकर गाना करते हो, आज तक आपने जिग्नेश जी का साथ देने की सारी चीज़ें हुई है, तो आपको क्या लग रहा है, कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? जब चेतन जी पहली बार आए थे कि मुझे नाम पता है, तो वी डेफिनेटली लाइक इट वाज फर्स्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम वाज वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज आई टोल्ड हिम आई विल डू विद माय ओल्ड टीम टू जॉइन विद यू गाइस, एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव कि हां जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट वाज द थिंग कि व्हिच रियली लाइक वी टुक एन इनिशिएटिव फॉर वर्किंग विद हिम बिकॉज इट वाज न्यू, और हमारी टीम के साथ भी इनको ये था कि भाई कोलैबोरेट करके सब करेंगे, तो इनके आइडियाज भी सब मिलते हैं और इतनी पॉजिटिव, इनको कोई चीज़ नहीं ये मना नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं करना, अच्छा प्रीति जी कर लेंगे, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम, सो वी टुक दिस डिसीजन ऑफ वर्किंग विद हिम एंड सो फार इट इज रियली गोइंग गुड। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, अगर कुछ या नॉन कुछ को बात करते भी, अगर नवरात्रि की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट के हाथ में कि कितना दिन तक 12 बजे की इनकम की परमिशन देते हैं, जैसे गणपति के लिए भी करते हैं, क्या आप लोगों ने सीए को वहीं से अप्रोच किया था कि 2 की जगह ज़्यादा भी कर सकते? मैं बता रहा हूँ इसका सही जवाब देने के लिए एक ही चाहे जाना छोड़ दें, आगे तक वो आपको बताएंगे सारे कॉन्ट्रोवर्सीज वाले सवाल। सॉरी बता रहा हूँ, मैं आज संसद में गया था और दिल्ली, मैं दिल्ली से शाम आया था, मैं पूरा डेडिकेशन देने गया था मैं, और किरीट सुमैया जी, गोपाल शेट्टी जी, हम मिले नदी तवेली से जो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स है, उनसे बात हुई, हमने उनको आवेदन दिया है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि सिर्फ एक बॉम्बे सिटी ऐसी है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम जहाँ पे क्रिश्चन सब रहते हैं, तो 15 डेज जो है वो हमें कम पड़ रहे हैं, तो हमारा आवेदन से गया हुआ है, हमने नेक्स्ट वीक में नरेंद्र मोदी जी का भी टाइम लिया है और उसके लिए हमने फेडरेशन बनाया है, हम फाइट भी कर रहे हैं। नो सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। यस, सीए हमारी आज हुई बात हुई कि
वो अप्रोच जो है, जो एडवायर मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ के कलेक्टर को ऑर्डर करेंगे, लोकल पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करेंगे कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, वो इस तरह से डिसीजन लें। यस सर, गुजरात के अंदर 10 दिन, गुजरात के अंदर 15 में से 10 दिन डांडिया होता है, 5 दिन अदर फंक्शंस के लिए। बॉम्बे में क्रिश्चियंस भी है, गुजराती भी है, सब है, तो इसे भी बढ़ा रहे हैं, उसी में फाइट कर रहे हैं। बस इसके 2 महीने पहले गए हैं, इसके 2 महीने पहले से गए और किरण भाई साथ में थे, गोपाल शेट्टी साथ में थे, हमारे दो दो हमारे यहाँ के बॉम्बे सिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ में थे, उन्होंने थोड़ा कॉपरेट किया है, थोड़ा डेलीगेशन हमारे खर्चे से गए थे, हमने तीसरे रुपये नहीं मांगा है, बट हम इतना बोल सकते हैं कि हम फाइट कर रहे हैं। और जैसे हमने बीच में मीटिंग भी किया था, विपुल भाई को पता है, विपुल भाई आजकल सोशल वर्क में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इस नवरात्रि के बारे में, मीनास ये उनकी ब्रांड है और काफ़ी सारी सिटीज करते आ रहे हैं, काफ़ी पैसे इस बड़ी इवेंट में पैसे बहुत करते हैं, ठीक है ना, तो विपुल सुनते हुए रहेंगे। विरास नवरात्रि ने 7 साल कंप्लीट किए हैं और काफ़ी साल उसमें दिग्निश शेट्टी साथ शिवा शेट्टी भी हमारे साथ गए और ये 8वां साल है और अभी चेतन भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो ये नवरात्रि बहुत ही ज़बरदस्त होगी, होने वाली क्या पूरे बॉम्बे में नंबर वन है। प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बड़ा है, ऑफ कोर्स डूइंग एनीथिंग इन बॉम्बे इज ऑलवेज वेरी गुड एंड रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई टोल्ड यू आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल टीम एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विल डेफिनेटली ड्रॉ विद प्रीति पिंकी, आई रियली अगेन इट्स अ प्रिविलेज टू परफॉर्म विद प्रीति एंड पिंकी द डांडिया क्वींस, सो वी विल डेफिनेटली ड्रॉ दिस 2016 आप सभी को आना है, सो प्लीज सबकी राधा करना होगा आपसे, गाइस डांस विद अस, थैंक यू सो मच। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया इस जजमेंट डन।